वाओ वेरी गुड वेरी गुड। निशाना आपका मोबाइल ना हो। नमस्कार प्रियजन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। जैसे राधे कृष्णा। तो गाइस यार, अभी हम पहुंच चुके हैं रामघाट और बैटरी नहीं थी मेरे फोन में, इसलिए हम ब्लॉग देर से बना रहे, इसलिए अब जा रहे हैं दर्शन करने। अभी स्नान हो गया और लोगों को हो गया है, तो चलिए चलते हैं। ये था रामघाट। तो गाइस यार, देर से ब्लॉग शूट करने के लिए सॉरी। चलिए चलते हैं अब सीधा कामतानाथ स्वामी, बोलो कामतानाथ की जय। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे एक नज़ारा को दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप बन रहे हमारे ब्लॉग में, ओके। तो गाइस यार, पूजा हो गई हमारी, अब हम लोग यहाँ से और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, कामतानाथ का दर्शन करते हैं, ठीक है। हाँ, खड़े रहिए आप। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कामतानाथ। चलिए अब आपको बहुत ही मनोरम दृश्य और ये दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, श्री नामदेव जी हैं हमारे साथ और हमारे पंकज भैया जी भी हैं और ये अंकुश जायसवाल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं पीछे हैं। तो चलिए पहले हम आपको प्रथम दर्शन करवाते हैं और फाइनली हम लोग पहुँच चुके वहाँ पर और 3 दिन की ये यात्रा हमारी पूर्ण हुई। तो चलिए आपको देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भीड़ है यहाँ पर। हाँ रुका, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये है काम करना, देखिए दर्शन करिए और आनंद लीजिए। बोलो कामतानाथ की। गाइस यार, फाइनली दर्शन हो गया है। चलिए इस प्रसाद को रख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे ये परिक्रमा पूरी। तो चलिए बने रहिए, आपको लास्ट तक दिखाते हैं। गाइस देखिए, अब चंदन मंडन हो गया और हम लोग परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारे निर्भय सर जी हैं और ये हमारा सीताराम, उल्टा हो गया चंदन मंडन। और ये पीछे सचिन नामदेव जी हैं और आगे भी बहुत लोग हैं भजन कीर्तन करते हुए। बस भगवान के भक्ति में हम लोग लीन हैं और बस कुछ ही क्षणों में हम लोग का परिक्रमा भी पूरा हो जाएगा। तो आप भी कुछ कहना चाहिए तो कह दीजिए। जय श्री सीताराम। बड़े सौभाग्य से और प्रभु श्री राम की और कामतानाथ धाम की कृपा से हम सभी लोग 3 दिन की पदयात्रा करके ये अपना अमृत पल मना रहे हैं। आप समझिए कि जो पदयात्रा होती है हमारी, पूरे पदयात्रियों के लिए बड़े आनंद का पल होता है। तो भगवान की कृपा से ये पल मिला है और ये हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। आप सभी का प्रभु कामतानाथ कल्याण करे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। चलिए फिर आगे का भी हम आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, ठीक है। राम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम। बड़े जैसे बोलते हैं, छोटे तो हो गए हैं लेकिन बड़े जैसे बोलते हैं। तो राम जी की इच्छा से ये है बच्चों जैसे बोलने लगे। तो गाइस, इस समय हम लोग महाराज जी के आश्रम में हैं, ये अनुराग गुरु हैं और आपको दिखाते हैं महाराज जी पीछे, आप देख पा रहे होंगे। ये आगे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, आवाज़ नहीं कर सकते। तो गाइज यार, ये देखिए, उधर संगत ऑफ एडवोकेट सर जी हमारे हैं, वो अब निशाना लगाएंगे उस बलून पर, देखते हैं किसका निशाना लगेगा। एक गोली मारिए, 100 लग सकता है। हाँ लगाइए लगाइए, 10 का 3 है, 10 नहीं है, 3 ही है। एक लगाइए आप, लगाइए ना।
दावत है दादी। वाओ वेरी गुड वेरी गुड। निशाना आपका सच में अच्छी था। अब आप लगाइए चलिए। अब ये है वैसे तो एडवोकेट, देखते हैं इनका निशाना कैसा है। चलिए अब एक मारिए आप। हमारा 100% ना लागी। सॉरी मिस मिस हो गया। ये कैसे गिरा ना मोबाइल ना हो गए। नहीं लगे चल फूट गया उसका। बहुत परिक्रमा के क्रम में हम सब लोग बरहा के हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण। तो हे गाइस हमारी कंप्लीट मतलब ये परिक्रमा पूर्ण हुई और अब इसके बाद हम लोग भोजन पानी होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। हम लोगों का ये धार्मिक यात्रा कंप्लीट हुआ और पूर्ण भी हो गया। और ये त्रिदिवसीय पूर्ण होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अपने स्थान की ओर। भगवान आप सब पर भी कृपा करें, कृपा इस तरह बनाए रखें और हम पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, जय भगवान।